मैं अपने डायरेक्टर को उसकी कुर्सी को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं कभी सुझाव दे सकता हूँ कि मैं इस कैरेक्टर को या इस सीन को इस तरह से करना चाहूँगा, बट विथ योर परमिशन। सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर, भाकरवाड़ी के सेट पर हूं और मेरे साथ हैं एक्टर डायरेक्टर देवेन भोजानी। वेलकम टू जॉइनफिल्म्स सर। हेलो, थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर बातें करके। ये जो करेक्टर है इसकी क्या खास बातें हैं? इसमें मैं अन्ना का किरदार निभा रहा हूँ जो महाराष्ट्रन फैमिली के हेड हैं। आई एम ऑल्सो द प्रोटैगनिस्ट और ये बिल्कुल ही अलग किस्म का किरदार है। मैंने काफ़ी अलग अलग किस्म के किरदार किए हैं पास्ट में और इस तरह का किरदार मैंने कभी निभाया नहीं था, तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। और शो शुरू होने से पहले काफ़ी इस पर काम किया गया, थोड़ी बहुत रिसर्च मैंने अपने लेवल पे की। अच्छा। मेकर्स के साथ डिस्कशन, राइटर्स के साथ, क्रिएटिव पीपल के साथ काफ़ी बार मीटिंग्स हुई, डिस्कशंस हुए, फिर हमारे वर्कशॉप्स हुए। वर्कशॉप्स भी हुए एंड लाइक यू नो अपना इंटरप्रिटेशन करके उनके सामने मैंने प्रेजेंट किया और काफ़ी उनको अच्छा भी लगा और इस तरह से मिला जुला के हमने ये किरदार बनाया। एंड इट इज़ अ वेरी वेल कंसीव्ड शो एंड वेरी वेल कंसीव्ड कैरेक्टर आई मस्ट से। ओके देवेन जी, आप इतने सालों से काम कर रहे हैं, सक्सेसफुली काम कर रहे हैं, उसके बाद भी क्या इतनी रिसर्च और वर्कशॉप की जरूरत लगती है? हाँ जी, चाहे मतलब उम्र का इससे कोई लेना देना नहीं है या सीनियरिटी का इससे कुछ लेना देना नहीं है, काम तो काम है और कैरेक्टर तो कैरेक्टर है। मैं हमेशा नया कैरेक्टर निभाता हूँ, तो मैं पर्सनल लाइफ में ऐसा नहीं हूँ जो मैं कैरेक्टर निभा रहा हूँ, तो वो कैरेक्टर कैसा होगा इसके बारे में काफ़ी इमेजिनेशन दौड़ाने पड़ते हैं, रिसर्च करनी पड़ती है। जैसे इस कैरेक्टर के लिए मैं पुणे गया था, कुछ दिन रहा पुणे में, वहाँ के लोगों को ऑब्जर्व किया, कुछ वीडियोज़ देखे, कुछ लोगों के साथ इंटरेक्शन किया, कुछ पॉलिटिशियंस के स्पीचेस देखे, महाराष्ट्र पॉलिटिक्स जो हिंदी बोलते हैं, और पुणेरी ये कोकड़स्थ ब्राह्मण कैरेक्टर है तो वो कैसा होता है, वो दुकान पे कैसे बिहेव करते हैं, इस तरह से काफ़ी अलग 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 रिसर्च किया और फाइनली ये कैरेक्टर। तो जब इतनी मेहनत करते हैं और शिद्दत के साथ करते हैं तो जो किरदार निखर के आता है इसलिए पब्लिक को पसंद आता है, पब्लिक को लगता है कि जस्ट एक सीरियल है, एक कैरेक्टर है, लेकिन वो इसीलिए अच्छा होता है क्योंकि उसके पीछे इतनी मेहनत होती है। तो सेटअप चेंज हो गया, लोकेशन चेंज हो गई है, लेकिन बातचीत जारी है देवेन जी के साथ ही। जिस तरह से ये चेंज हुआ हमारा भी पहला वार्तालाप, और ये आपने भी दौर बदलते हुए बहुत देखे, मतलब मालगुडी डेज 86, तब आपने तब सोचा था ये इतना सक्सेसफुली आगे तक जाएगा करियर जब शुरू किया था? दरअसल 86 में जब मैंने मालगुडी डेज किया था तभी मालगुडी डेज में शॉर्ट स्टोरीज चल रही थी, हर एपिसोड अलग अलग अपनी अपनी कहानी था, तो एक कहानी के लिए मैं चुना गया था और वो पूरी कहानी मुझ पर ही निर्भर थी। आई वाज प्लेइंग द टाइटल रोल इन दैट पर्टिकुलर स्टोरी और तभी मैं कॉलेज में था, नया नया दाखिल हुआ था, तो मैं बहुत यंग था और वहाँ से शुरुआत हुई थी। और मैं कॉलेज में दाखिल हुआ था, मैंने कॉमर्स स्ट्रीम ली थी, मैं दरअसल चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता था और उसी की स्टडीज़ चल रही थी। और फिर स्टडीज़ के साथ साथ मैं कॉलेज में इंटर कॉलेजिएट कॉम्पटिशन वगैरह, ड्रामा कॉम्पटिशन में हिस्सा लेता था और वहाँ पर काफ़ी प्राइजेज़ वगैरह जीते, अवार्ड जीते, और फिर धीरे धीरे प्रोफेशनल थिएटर से जुड़ा और फिर टीवी और फिल्मों की तरफ। तो ये जर्नी कैसे इतनी आसानी से, जैसे ही जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती गई, मेरे इस करियर भी अपना मोड लेता गया और एक वक्त आया जब जो जीता वही सिकंदर के लिए मुझे बुलाया गया, ऑफर आया और मैं गया। और तब 2 महीने के लिए ऊटी कोडाईकनाल जाना था, तो फिर मैंने सोचा कि अभी यार इसी में करियर बनाए तो क्यों ना, लेट मी ट्राई। तो फिर वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट जो प्रोफेशन होता है बड़ा स्ट्रेटजी वाला होता है, आपकी क्या स्ट्रेटजी रही कि आपने जो भी रोल किया, चाहे वो करीमा था देख भाई देख का, जो जीता भाई सिकंदर का आपने जिक्र किया, उसमें सीन बहुत कम थे लेकिन उसके बाद भी आप उसको रजिस्टर कर पाए, ये स्ट्रेटजी क्या है कि पब्लिक के दिल में उतर जाते हो आपसे? नहीं, मैं अपने आप को पहले ये कहना चाहूँगा कि मैं अपने आप को बहुत नसीब वाला समझता हूँ कि मेरा जो शौक़ था, मेरी जो हॉबी थी वो मेरा प्रोफेशन बन गया। तो इसलिए मैं बहुत पैशनेट होता हूँ कोई भी मैं कैरेक्टर निभाता हूँ या कोई भी शो या फिल्म में डायरेक्ट कर रहा होता हूँ, क्योंकि मुझे ये दुनिया बहुत पसंद है। तो और मैं समझता हूँ ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे पेंटर्स होते हैं लेकिन वो स्टॉक एक्सचेंज में जॉब करते हैं या कोई अच्छा बड़ा सिंगर होता है तो वो इंजीनियर बन जाता है,
पर मैं अपने आप को नसीब वाला इसलिए समझता हूँ कि ये मेरा शौक था, एक्टिंग और डायरेक्शन मेरा शौक था और वही मेरी हॉबी ही मेरा प्रोफेशन बन गया। तो इसलिए ये जाहिर सी बात है कि अगर मैं अपने काम को इतना ज़्यादा एंजॉय करता हूँ, उससे पैशन में इतना हो जाता हूँ कि हर कैरेक्टर में, हर किरदार में जान डालने की कोशिश करता हूँ। और शायद यही वजह रही कि वो कैरेक्टर्स उभर के आए, लोगों ने पसंद किए और मुझे करने में मज़ा आया। ओके, अब आता हूँ बात डायरेक्टर पे। ठीक है, एक्टर जब बन रहे थे तो डायरेक्टर की तरफ झुकाव हो रहा था या अचानक हुआ? दरअसल जो जीता वही सिकंदर से ही उसकी शुरुआत भी हुई थी। एक्टिंग के साथ साथ वहाँ उसी फिल्म में मैं बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर भी जुड़ा था। तो वहीं से डायरेक्शन का कीड़ा भी लग गया था। पर जो जीता हुई चकंदर के बाद एज एन एक्टर बहुत ज़्यादा ऑफर्स आने लगे, तो फिर डायरेक्शन तभी थोड़ा पीछे छूट गया। लेकिन फिर अगेन पिछले कुछ 14-15 साल पहले सारा भाई से डायरेक्शन से फिर से जुड़ गया। वो बहुत एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपका डेब्यू था वो सारा भाई? नहीं, मेरा डेब्यू तो एक मालो सपनों का नाम का शो था जो 17-18 साल पहले हुआ एज ए डायरेक्टर। वो भी हिट था, वो भी बहुत, उसके 1000 एपिसोड हुए थे। हाँ। जो पहला ऐसा डेली शो था जो 1000 एपिसोड कंप्लीट किए थे जिसने, और बाईलैंग्वेज वो था, वो हिंदी और साथ साथ में गुजराती भी बन रहा था। तो तभी से डायरेक्शन की शुरुआत हुई थी, पर उसमें मैंने कुछ एपिसोड ही डायरेक्ट किए थे। लेकिन सारा भाई वर्सेस सारा भाई से मैं फुल फ्लेज्ड डायरेक्टर बन गया, और वो मेरा पहला ऐसा शो था जहाँ ओनली आई वाज डायरेक्टिंग। पर मुझे मेकर्स ने कहा तो मैं एक छोटा रोल भी कर रहा था उसमें, दुष्यंत का, जो रोल भी बहुत पॉपुलर हुआ। पर ये शो सारा भाई वर्सेस वो एक कल्ट शो बन गया। लोग उसको इंटरनेशनल शोज के साथ कंपेयर करने लगे। और जितने समय तक वो शो चला, 2-3 साल, तो हर साल हर कंपटीशन में, हर फेस्टिवल में, हर अवार्ड फंक्शन में मुझे बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला, और हमारे शो को सारा भाई वर्सेस सारा भाई को बेस्ट सिटकॉम का अवार्ड मिला। तो तब से डायरेक्शन एक अच्छे डायरेक्टर का थप्पा भी लग गया। लेकिन आम जनता जो होती है वो एक्टर को ही देखती है टीवी पर, तो ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है कि मैंने कुछ शोज डायरेक्ट भी किए हैं और उसमें अवार्ड भी जीते हैं। जी, जी। 3-3, 4-4 अवार्ड एक साथ एक ही शो के लिए। इसमें ये बात है कि अब डायरेक्टर भी बन गए और वो भी इतने सफल डायरेक्टर, उसके बाद दोबारा जब एक्टिंग में आते हैं तो डायरेक्टर पीछे से हावी होता है क्योंकि दूसरा डायरेक्टर भी सामने है, कि उसके ही पॉइंट ऑफ व्यू को समझ के चलते हैं? नहीं, दरअसल मैं जो शो कर रहा होता हूँ और उसमें मेरा इन्वॉल्वमेंट रहता है, पर वो मेरा पैशन रहता है, वो इंटरफियरेंस नहीं रहता। ओके, एक फ़र्क होता है इन्वॉल्वमेंट और इंटरफियरेंस में। तो मुझे पता है कि इस शो में मैं सिर्फ एक्टर हूँ, तो मैं अपने डायरेक्टर को, उसकी कुर्सी को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और मैं कभी सुझाव दे सकता हूँ कि मैं इस कैरेक्टर को या इस सीन को इस तरह से करना चाहूँगा, बट विथ योर परमिशन। जो ज़्यादातर डायरेक्टर या मेकर्स मुझे परमिशन देते हैं क्योंकि वो जो लिखा होता है उससे भी थोड़ा सा बेटर होता है। तो पर कभी कभार छोटे, रेयरली कभी ऐसा होता है जहाँ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी होता है। हाँ। तो डायरेक्टर कहता है ये भी कर लेते हैं और वो भी कर लेते हैं, आई एम टोटली फाइन विथ इट बिकॉज ही इज़ द डायरेक्टर, तो आई रिस्पेक्ट द चेयर, आई रिस्पेक्ट द पोस्ट। राइट, तो आप इनके साथ हेड्स ऑफ प्रोडक्शन के साथ पहले भी काम कर चुके हैं, तो एक समझाइश और एक बात बताइए, क्यों एक प्रोडक्शन हाउस किसी एक्टर को या डायरेक्टर को रिपीट करता है, क्या ऐसी वजह होती है? रिपीट करता है उसकी वजह मेन तो ये है कि एक तो उसके टैलेंट में उस प्रोडक्शन हाउस को बहुत भरोसा रहता है कि बहुत ज़बरदस्त टैलेंट है, ये ज़बरदस्त एक्टर है या डायरेक्टर है, तो इसी को क्यों ना हम दोबारा रिपीट करें। दूसरा, एक पर्सनल इक्वेशन बन जाता है जहाँ एक कम्फर्ट जोन होता है। दूसरा, उस पहला शो या फिल्म या जो भी करते हैं तो उसमें ये भी पता चलता है कि भाई, काफ़ी बार ऐसा होता है कि कोई, हम लोग बात करते हैं कि एक्टर तो अच्छा है पर एज अ पर्सन बहुत पका हुआ है। okay. बहुत टेंट्रम करता है, ये करता है, वो करता है, शॉट के लिए बुलाता है तो आता ही नहीं है, या ये जो एक्ट्रेस है वो बहुत लेट आती है सेट पे, लाइक यू नो 9 बजे की शिफ्ट में 11 बजे सेट पे आती है, आकर 2 घंटा मेकअप करती है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो जब एक एक्टर या एक डायरेक्टर एक शो करता है तो प्रोड्यूसर को वो पता चल जाए कि पर्सनली कैसा है, कितना सपोर्टिव है, कितना कोऑपरेटिव है। डेली शो का माहौल ऐसा होता है, कुछ ना कुछ दुविधाएं आती हैं। तो कैसे एक एक्टर उस दुविधा को एडजस्ट करता है। सो ये जो कंफर्ट जोन होता है उस वजह से भी प्रोड्यूसर रिपीट करना चाहता है एक्टर या डायरेक्टर। मतलब ये है कि सक्सेसफुल करियर बनाने के लिए एक्टिंग टैलेंट के साथ साथ आपका एटीट्यूड और बिहेवियर भी अच्छा होना बहुत जरूरी है। एब्सोल्युट, एब्सोल्युट, एब्सोल्युट। पर सबसे पहले टैलेंट सबसे पहले टैलेंट कुछ लोग मुझे पूछते हैं कि भाखरौड़ी का मतलब क्या है।
तो मुझे लगा कि हाँ भाकरवड़ी का मतलब शायद हम लोग समझते हैं पर सब लोग नहीं समझते। भाकरवड़ी एक व्यंजन का नाम है, एक नमकीन है, जैसे नॉर्थ में सेव भुजिया या कचौड़ी है नमकीन, या हमारे यहाँ चिवड़ा चकरी, वैसे ही भाकरवड़ी एक नमकीन है जो गुजरात में और महाराष्ट्र में ज़्यादा पॉपुलर है। तो यहाँ पर भाकरवड़ी एक सिंबल है, भाकरवड़ी चटपटी होती है, तो ये जो हमारा शो है वो चटपटे रिश्तों की कहानी, इसका टैगलाइन है, तो इसलिए इसे भाकरवड़ी कहते हैं। सो मैं ऑडियंस को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमारा हमारे शो को इतना सराहा। जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी। भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे, भले वो फेक ऑडिशंस पे हो कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए, इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है। I will join.